हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल एसआर सक्सेस टू वर्ड्स में स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 11 अल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर। आज का हमारा टॉपिक है औद्योगिक महत्व के कुछ अल्कोहल, जैसे मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, परम या परिशुद्ध अल्कोहल। इस तरीके से हम कई अल्कोहल को विस्तार से समझेंगे। तो आज के टॉपिक को समझने के लिए और इसे इजी बनाने के लिए आप मैं सीमा मैम के साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए, ताकि आज के टॉपिक को समझने में आपको आसानी हो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, इसको शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और इंस्टाग्राम पर सीमा साहू 179 को फॉलो कीजिए। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक औद्योगिक महत्व के कुछ अल्कोहल। इसके अंतर्गत फर्स्ट मेथिल अल्कोहल या मेथेनॉल। मेथिल अल्कोहल का सूत्र CH3OH। मेथिल अल्कोहल प्रकृति में मिथाइल एस्टर के रूप में पाया जाता है, जो कि सुगंधित तेलों जैसे लौंग के तेल में पाया जाता है। इसे कास्ट स्प्रिट भी कहते हैं। आगे हम समझेंगे मेथिल अल्कोहल बनाने की विधियां। तो मेथिल अल्कोहल को तीन विधियों से तैयार किया जाता है। फर्स्ट लकड़ी के भंजन आश्वन द्वारा, सेकंड जल गैस से या पेटार्ड प्रक्रम द्वारा, और थर्ड मीथेन से। तो चलिए हम इन्हें एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट लकड़ी के भंजक आश्वन द्वारा। इस विधि में लकड़ी को 15 से 20% पानी से 350 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर और हवा की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, जिससे 45% पायरोलिग्नियस अम्ल, 25% ज्वलनशील गैस का मिश्रण, 25% लकड़ी का कोयला और 5% कास्ट टार, जो कि गाढ़ा काला तीखी गंध वाला द्रव होता है, ये सभी पदार्थ प्राप्त होते हैं। लकड़ी के भंजक आश्वन द्वारा प्राप्त 45% पायरोलिग्नियस अम्ल में मेथिल अल्कोहल, एसीटोन, एसिटिक अम्ल और जल होता है। तो इसमें से मेथिल अल्कोहल को विभिन्न प्रोसेस से अलग कर लिया जाता है, और ज्वलनशील गैस का मिश्रण, लकड़ी का कोयला, इसे ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। सेकंड, जल गैस से या पेटार्ड प्रक्रम द्वारा। तो वर्तमान समय में इस विधि से मेथिल अल्कोहल या मेथेनॉल को प्राप्त किया जाता है। जल गैस, अब यहाँ पर जल गैस शब्द आया है, तो जल गैस कार्बन और रक्त तप्त भाप से अभिक्रिया करा करके जल गैस तैयार किया जाता है। इसको वाटर गैस भी कहते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस के मिश्रण, ये वाटर गैस या जल गैस कहलाता है। जल गैस या वाटर गैस को 200 से 300 वायुमंडलीय दाब और 400 से 450 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर हाइड्रोजन के साथ गर्म करने पर मेथेनॉल प्राप्त होता है, जैसा कि हमको यहाँ पर समीकरण प्रदर्शित है। थर्ड, मीथेन से। इस विधि में 9 आयतन मीथेन और 1 आयतन ऑक्सीजन के मिश्रण को 100 वायुमंडलीय दाब और 200 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर कॉपर की नली में प्रवाहित किया जाता है, जिससे मेथेनॉल प्राप्त होता है। इस प्रकार लकड़ी के भंजक आश्वन द्वारा, जल गैस से या पेटार्ड प्रक्रम द्वारा और मीथेन से मेथिल अल्कोहल या मेथेनॉल को बनाया जाता है। आगे हम समझते हैं मेथिल अल्कोहल या मेथेनॉल के भौतिक गुण। तो फर्स्ट है रंगहीन, विशेष गंध, तीखा स्वाद वाला द्रव, 337 केल्विन पर उबलता है। यानी कि जो मेथिल अल्कोहल होता है, इसमें कोई रंग नहीं होता है, रंगहीन होता है, लेकिन इसकी विशेष गंध होती है और स्वाद में ये तीखा होता है और द्रव फॉर्म में होता है, और ये 337 केल्विन टेम्परेचर पर उबलता है। सेकंड, मेथिल अल्कोहल पानी, इथाइल अल्कोहल और ईथर में विलेय होता है। थर्ड, ज्वलनशील, प्रकाश युक्त लौ से जलता है। जो मेथिल अल्कोहल या मेथेनॉल है, ये ज्वलनशील द्रव होता है, और ये जब इसको जलाया जाता है तो प्रकाश युक्त लौ से ये जलता है। फोर्थ, अच्छा विलायक। मेथिल अल्कोहल एक अच्छा घोलक होता है या अच्छा विलायक होता है। ये स्वयं पेंट, गोंद,
और सेलुलॉइड आदि के लिए अच्छा विलायक होता है। फिफ्थ, विषैला पदार्थ। मेथिल एल्कोहल या मेथेनॉल विषैला पदार्थ होता है। इसको पीने से आदमी अंधा हो सकता है और इसकी अधिक मात्रा के सेवन से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। रासायनिक अभिक्रियाएं। मेथिल एल्कोहल या मेथेनॉल एल्कोहल के समान सभी रासायनिक अभिक्रियाएं देता है, जैसे कि धातु हाइड्राइड से अभिक्रिया, हैलोजन अम्ल से अभिक्रिया, हैलोजनीकरण अभिक्रिया और भी अन्य अभिक्रियाओं को देता है। अल्कोहल की सभी रासायनिक अभिक्रियाओं को हमने पिछले वीडियो में अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाओं में विस्तार से समझे थे। यदि वह वीडियो आपने नहीं देखी है तो आई आइकन पर क्लिक करके वह वीडियो देख सकते हैं। आगे हम समझते हैं मेथिल अल्कोहल या मेथेनॉल के उपयोग। फर्स्ट, परिशोधित स्प्रिट के विकृतीकरण में। सेकेंड, पेंट्स वार्निश के विलायक के रूप में। थर्ड, रंजक औषधि आदि बनाने में। फोर्थ, मोटर इंजन में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में। इसके अलावा ऑटोमोबाइल रेडिएटरों में हीमरोधी के रूप में। फॉर्मेल्डिहाइड विलयन बनाने में। हमने समझा कि मेथिल एल्कोहल विलायक के रूप में, औषधि रंजक बनाने में, ईंधन के रूप में, हीमरोधी के रूप में आदि और अन्य कार्यों में मेथिल एल्कोहल या मेथेनॉल का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमने मेथिल एल्कोहल के बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग को विस्तार से समझे। आगे हम समझेंगे एथिल एल्कोहल या एथेनॉल। सेकेंड, एथिल एल्कोहल या एथेनॉल, इसका सूत्र C2H5OH होता है। एथिल एल्कोहल या एथेनॉल को शराब की स्प्रिट या स्प्रिट ऑफ वाइन और अन्य एल्कोहल या ग्रेन एल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है। आगे हम इसमें समझेंगे औद्योगिक स्तर पर एथिल एल्कोहल या एथेनॉल का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। तो इसमें मुख्य रूप से तीन विधियां हैं, एथिलीन से, एसिटिलीन से और किण्वन द्वारा। एथिलीन से, तो पेट्रोलियम के भंजन से प्राप्त एथिलीन गैस को जब सांद्र H2SO4 में प्रवाहित किया जाता है तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट और डाई एथिल सल्फेट का मिश्रण मिलता है। इन दोनों पदार्थों का जल के साथ अम्ली माध्यम में उबालने पर एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। जैसा कि हमें यहाँ पर समीकरण प्रदर्शित है, एथिलीन गैस को पेट्रोलियम के भंजन से प्राप्त किया गया। इस एथिलीन गैस को सांद्र H2SO4 में प्रवाहित किया जाता है जिससे एथिल हाइड्रोजन सल्फेट और डाई एथिल सल्फेट का मिश्रण मिलता है। तो यह अभिक्रिया 70 से 80 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर और 10 एटमॉस्फेयर दाब पर होती है। इस एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को जल के साथ अम्ली माध्यम में उबालने पर एथिल अल्कोहल मिलता है और एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर डाई एथिल सल्फेट मिलता है। इसका जल के साथ अम्ली माध्यम में उबालने पर एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। सेकेंड, एसिटिलीन से, तो एसिटिलीन गैस को 42% तनु H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल में 1% मर्क्यूरिक सल्फेट की उपस्थिति में 60 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर गर्म किया जाता है तो एसिटाल्डिहाइड बनता है और इस एसिटाल्डिहाइड का आगे अपचयन करने पर एथेनॉल या एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। जैसा कि हमें यहाँ पर समीकरण प्रदर्शित है, एसिटिलीन को जब 42% तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 60 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर और 1% मर्क्यूरिक सल्फेट की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस एसिटाल्डिहाइड का निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 140 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर अपचयन किया जाता है तो एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। थर्ड, किण्वन द्वारा, तो एथिल अल्कोहल या एथेनॉल को औद्योगिक स्तर पर किण्वन द्वारा प्राप्त किया जाता है। एथिल अल्कोहल की प्राप्ति के लिए दो स्रोत का उपयोग किया जाता है। फर्स्ट, शर्करा युक्त पदार्थ जैसे शीरा या फलों के रस के किण्वन से एथिल अल्कोहल या एथेनॉल को प्राप्त किया जाता है और सेकेंड, स्टार्च युक्त पदार्थ जैसे आलू, चावल, मक्का, जौ आदि स्टार्च युक्त पदार्थों के किण्वन से एथिल अल्कोहल या एथेनॉल को प्राप्त किया जाता है।
इसमें शक्कर के किण्वन से एथेनॉल प्राप्त करने की विधि बहुत पुरानी है। हमें यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि किण्वन की प्रक्रिया में जटिल कार्बनिक पदार्थ का सरल कार्बनिक पदार्थ में अपघटन होता है। तो ये जो जटिल कार्बनिक पदार्थ सरल कार्बनिक पदार्थ में अपघटित होते हैं, ये एंजाइम के द्वारा होता है और इसके लिए ईस्ट की आवश्यकता होती है। चलिए आगे हम समझते हैं कि शीरे या फिर शर्करा से एथिल अल्कोहल किस प्रकार से तैयार किया जाता है, इसमें किस प्रकार से किण्वन की प्रक्रिया होती है। तो फर्स्ट है शीरे शर्करा से एथिल अल्कोहल बनाना। तो शीरे या फिर शर्करा से एथिल अल्कोहल बनाने की किण्वन विधि ये तीन स्टेप में होती है। फर्स्ट वॉश बनना, सेकेंड वॉश का आसवन, थर्ड परिशोधन। फर्स्ट वॉश बनना। तो अब ये वॉश क्या होता है हमें इसको समझना है। तो गन्ने के रस से शक्कर के क्रिस्टल को अलग किया जाता है। जब गन्ने के रस से शक्कर के क्रिस्टल को अलग कर लेते हैं तो गाढ़ा भूरा रंग का चाशनी जैसा द्रव बचता है जिसे शीरा या मोलेसेस कहते हैं। इसमें 50% सुक्रोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है। अब हमारे पास जो चाशनी जैसा द्रव है जिसको शीरा कहते हैं, इसका तनुकरण करना है। तो वॉश बनने के अंतर्गत फर्स्ट स्टेप होगा तनुकरण। तो शीरे में जल मिला करके इसको 8 से 10% तनु किया जाता है और इसमें थोड़ा सा अमोनियम सल्फेट और अमोनियम फॉस्फेट मिलाते हैं जो ईस्ट के लिए आहार का कार्य करता है, और थोड़ा सा इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया जाता है जो व्यर्थ जीवाणुओं को नष्ट करता है। अब जो ये तनुकरण किया हुआ शीरा है इसका किण्वन किया जाएगा। तो जो विलयन मिला है तनुकरण करने के बाद, उसमें अमोनियम सल्फेट डाले, अमोनियम फॉस्फेट डाले, उसमें थोड़ा सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाए, तो इस तरीके से जो विलयन मिला है इसमें 5% ईस्ट मिला दिया जाता है। अब इस मिश्रण को 2 से 4 दिन के लिए 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस ताप पर रख देते हैं और कुछ समय पश्चात ईस्ट में जो एंजाइम उपस्थित होता है ये उत्प्रेरकी क्रिया के द्वारा एथेनॉल में परिवर्तित हो जाता है। अब ये जो विलयन प्राप्त हुआ है इसको वॉश कहते हैं। इसमें 6 से 10% एथिल अल्कोहल और शेष जल और अन्य अशुद्धियां होती है। तो जैसा हमको यहाँ पर समीकरण प्रदर्शित है, जो गन्ने की शक्कर है इसका ईस्ट एंजाइम इन्वर्टेज के द्वारा यहाँ पर किण्वन हो रहा है जिससे ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त होता है, और ग्लूकोज का जाइमेस एंजाइम के द्वारा ये एथिल अल्कोहल में परिवर्तित होता है। इस तरह यहाँ पर गन्ने के रस से जो शीरा बना उस शीरे का तनुकरण किए और किण्वन किए। तो इस प्रकार से जो प्राप्त विलयन है ये वॉश कहलाता है। अब सेकेंड स्टेप में हम वॉश का आसवन को समझेंगे। यहाँ पर हमें शीरे से एथिल अल्कोहल बनने का चित्र प्रदर्शित है। जैसा कि हमने पहले समझे कि गन्ने के रस से शक्कर को हटा करके हमको चाशनी जैसा गाढ़ा द्रव मिलता है जो शीरा है। फिर शीरे का तनुकरण किया जाता है। तो यहाँ पर ये शीरे का तनुकरण किया जा रहा है। इसमें अमोनियम सल्फेट और सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है। इसमें ईस्ट मिलाया जाता है। अब इसको जो है विश्लेषक और परिशोधक से गुजार करके 95% एथिल अल्कोहल प्राप्त किया जाता है। तो सेकेंड स्टेप में वॉश का आसवन। तो वॉश का आसवन काफी भपके में किया जाता है। इसमें 2 स्तंभ होते हैं, एक विश्लेषक होता है और एक परिशोधक होता है जो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जो वॉश होता है इसको परिशोधक में प्रवाहित किया जाता है और गर्म वाष्प विश्लेषक के ऊपरी सिरे से धीरे धीरे गिराते हैं। तो विश्लेषक में ऊपर की ओर जा रही भाप ये नीचे की ओर आ रही वॉश के संपर्क में आती है और अल्कोहल को वाष्पित करती है। चूंकि अल्कोहल का क्वथनांक 78.3 होता है, चूंकि वाष्प को विश्लेषक से ऊपर से गिराया जाता है और भाप नीचे से जाती है तो अल्कोहल वाष्पित होती है। तो इस वाष्प को संघनित करके 95% अल्कोहल प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर गन्ने के रस से वॉश तैयार किए, उस वॉश का आसवन किए। अब थर्ड स्टेप में आते हैं परिशोधन।
तो वॉश का परिशोधन प्रभाजी आसवन से करते हैं। प्रभाजी आसवन करने पर तीन प्रभाज प्राप्त होते हैं, फर्स्ट प्रथम प्रभाज, सेकंड द्वितीय प्रभाज, थर्ड अंतिम प्रभाज। तो फर्स्ट प्रथम प्रभाज में एसिटाल्डिहाइड या फिर उससे कम क्वथनांक के अपद्रव्य प्राप्त होते हैं। सेकंड द्वितीय प्रभाज, इसमें 93 से 93.6% एथिल अल्कोहल होता है। इसके परिशोधन से परिशुद्ध अल्कोहल प्राप्त होता है। और थर्ड अंतिम प्रभाज, इसे फ्यूजेल तेल कहते हैं, इसमें उच्च क्वथनांक वाले अपद्रव्य होते हैं। इस तरह से शक्करयुक्त पदार्थ यानी शीरा का किण्वन करके औद्योगिक स्तर पर एथिल अल्कोहल की अधिक मात्रा प्राप्त की जाती है। सेकंड, स्टार्च से एथिल अल्कोहल बनाना। तो अभी हम किण्वन के द्वारा एथिल अल्कोहल का बनना समझ रहे हैं, जिसमें फर्स्ट हम समझे कि शीरा से किस प्रकार से एथिल अल्कोहल बनाया जाता है। सेकंड, हम स्टार्च युक्त पदार्थ जैसे आलू, चावल, मक्का, जौ, इनसे एथिल अल्कोहल कैसे बनाया जाता है, इसको हम समझेंगे। स्टार्च से एथिल अल्कोहल दो पदों में तैयार किया जाता है, फर्स्ट शर्करीकरण, दूसरा एथिल अल्कोहल का बनना। तो हम इसे एक एक करके समझते हैं। तो फर्स्ट है शर्करीकरण। तो इसमें स्टार्च को पहले माल्टोज शर्करा में परिवर्तित किया जाता है। इसके अंतर्गत तीन पॉइंट को समझेंगे, फर्स्ट माल्ट बनाना, सेकंड मैश बनाना, थर्ड जल अपघटन। फर्स्ट माल्ट बनाना। तो अब यहाँ पर हम ये समझेंगे कि माल्ट कैसे तैयार किया जाता है। तो इसके लिए जौ का प्रयोग किया जाता है। जौ आप जानते हैं, जौ को जल में भिगो करके 288 केल्विन ताप पर अंधेरे कमरे में अंकुरित होने के लिए रख दिया जाता है। फिर इसका ताप को 333 केल्विन तक बढ़ा करके उसको और अधिक अंकुरित किया जाता है। अब जो ये अंकुरित जौ होता है उसको माल्ट कहते हैं, और ये जो अंकुरित जौ होता है जिसको हम माल्ट कहते हैं, इसमें डाई स्टेज एंजाइम उपस्थित रहता है। अब माल्ट को, अब यहाँ पर हम अंकुरित जौ शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, अब हम यहाँ पर इसको माल्ट कहेंगे। तो माल्ट को जल के साथ उसको कुचल के छान लिया जाता है, और छना हुआ द्रव ये माल्ट निष्कर्ष कहलाता है। तो यहाँ पर हमने माल्ट से माल्ट निष्कर्ष तैयार कर लिए। सेकंड, मैश बनाना। अब हमने यहाँ पर माल्ट तैयार किए, अब मैश बनाएंगे। तो मैश बनाने के लिए स्टार्च युक्त पदार्थ जैसे आलू या चावल या मक्का, इसको कुचल करके बहुत अधिक तप्त भाप में गर्म करने पर इसकी कोशिका भित्ति फट जाती है, और इसमें से स्टार्च के दाना निकल करके एक लेई जैसा पदार्थ बनाता है। तो ये जो लेई जैसा पदार्थ बनता है इसी को कहते हैं मैश। तो अब यहाँ पर हमने मैश भी तैयार कर लिया। थर्ड, जल अपघटन। अब जो सेकंड स्टेप में तैयार मैश है, इसको 323 से 333 केल्विन तक के गर्म करते हैं, और जो फर्स्ट स्टेप में माल्ट निष्कर्ष तैयार किए थे उस माल्ट निष्कर्ष को मिलाकर रख देते हैं, यानी कि उसको गर्म किया जा रहा है। अब माल्ट निष्कर्ष में चूंकि डाई स्टेज एंजाइम है, तो ये डाई स्टेज एंजाइम स्टार्च को जल अपघटन द्वारा माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। तो जैसे हम यहाँ पर हमें समीकरण प्रदर्शित है, स्टार्च जो कि मैश है, और यहाँ पर डाइस्टेज एंजाइम जिसको 50-60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म किया जा रहा है, तो ये माल्टोज में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार से शर्करीकरण की प्रोसेस में स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित कर लिया जाता है। सेकेंड स्टेप में एथिल अल्कोहल का बनना। तो यहाँ पर अब माल्टोज जो हमें प्राप्त हुआ है, अब इस माल्टोज में ईस्ट एंजाइम इन्वर्टेज मिला दिया जाएगा, जिससे ये कुछ समय के बाद में एथिल अल्कोहल में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे हमको समीकरण प्रदर्शित है, माल्टोज में ईस्ट एंजाइम इन्वर्टेज मिलाया जाता है, जिससे ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में परिवर्तित हो जाता है, और जो ग्लूकोज है ये ईस्ट में उपस्थित जाइमिन एंजाइम से एथिल अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। हम समझते हैं एथिल अल्कोहल या एथेनॉल के भौतिक गुण। तो फर्स्ट है, एथिल अल्कोहल रंगहीन मीठी गंध वाला ज्वलनशील द्रव है, यानी कि इसमें कोई रंग नहीं होता है और इसकी गंध मीठी होती है, और ये ज्वलनशील यानी ये जलता भी है।
सेकेंड, स्वाद तीक्ष्ण, पीने से नशा आता है, इसका स्वाद तीक्ष्ण होता है और जो पीने वाले शराब आदि रहती है ये सब एथिल अल्कोहल से ही तैयार किया जाता है, इसको हम अभी आगे समझेंगे। थर्ड, क्वथनांक 78.2 डिग्री सेल्सियस। फोर्थ, जल में विलेय। और फिफ्थ, कार्बनिक पदार्थों के लिए अच्छा विलायक, यानी कि एथिल अल्कोहल को जब पानी में विलेय किया जाता है तो ये अच्छी तरीके से मिल जाता है और कार्बनिक पदार्थों के लिए ये स्वयं अच्छा विलायक होता है। रासायनिक गुण, तो यह अल्कोहल की सभी सामान्य रासायनिक अभिक्रियाओं को देता है, जैसे कि एथिल अल्कोहल धातु के साथ अभिक्रिया करता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करता है और हैलोजनीकरण की अभिक्रिया देता है, हाइड्रोजन हैलाइड से अभिक्रिया करता है। तो इस प्रकार से बहुत से रासायनिक गुण, जैसे अल्कोहल के रासायनिक गुण है। हम समझते हैं एथिल अल्कोहल या एथेनॉल के उपयोग। तो फर्स्ट, विभिन्न प्रकार की शराब बनाने में, जो हम शराब हम देखते हैं जैसे विस्की, ब्रांडी, रम, ये सभी विभिन्न प्रकार की शराब को बनाने के लिए एथिल अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। सेकेंड, पेंट, वार्निश, गोंद, औषधि के निर्माण में। थर्ड, मेथिल स्प्रिट ईथर के रूप में। फोर्थ, पावर अल्कोहल के रूप में। फिफ्थ, जैव प्रतिदर्शों के संरक्षण में। जैव प्रतिदर्श यानी कि जो बायोलॉजी में स्पेसिमेंस होते हैं उसके संरक्षण में एथिल अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा कीटाणुनाशक पदार्थ के रूप में, स्वचालित वाहनों में, रेडिएटरों में, प्रति फ्रिज के रूप में एथिल अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर हमने औद्योगिक महत्व के कुछ अल्कोहल में फर्स्ट मेथिल अल्कोहल या मेथेनॉल और सेकेंड एथिल अल्कोहल या एथेनॉल को विस्तार से समझे। अब कुछ अल्कोहल को हम यहाँ पर थोड़ी सामान्य जानकारी लेंगे। थर्ड, परिशोधित स्पिरिट, तो ये एथेनॉल का सबसे सामान्य व्यावसायिक रूप है, इसे औद्योगिक अल्कोहल भी कहा जाता है। इसमें लगभग 95.78% एथिल अल्कोहल और शेष मात्रा यानी कि 4.13% जल होता है। परिशोधित स्पिरिट को प्राप्त करने के लिए, जैसे कि हमने शर्करा के किण्वन से वॉश प्राप्त किया था, फिर वॉश के प्रभाजी आश्वन के द्वारा परिशोधित स्पिरिट को प्राप्त किया जा सकता है। एथिल अल्कोहल का सर्वाधिक उपयोग परिशोधित स्पिरिट के रूप में ही किया जाता है। फोर्थ, परम या परिशुद्ध अल्कोहल। अब जैसे नाम से पता चल रहा, परम या परिशुद्ध अल्कोहल मतलब ये 100% एथेनॉल होता है, मतलब इसमें कोई भी और अशुद्धियां नहीं होती है, पूरा 100% एथेनॉल होता है। परम अल्कोहल या परिशुद्ध अल्कोहल को प्राप्त करने के लिए परिशोधित स्पिरिट को बेंजीन के साथ मिलाया जाता है, क्योंकि परिशोधित स्पिरिट में अभी हम पढ़े कि इसमें एथिल अल्कोहल और जल होता है और इसमें बेंजीन मिला दिए, यानी कि ये तीन द्रव एक स्थिर क्वाथी मिश्रण बना लेते हैं। अब इस मिश्रण को, यानी कि जो परिशोधित स्पिरिट और बेंजीन का मिश्रण है, इसको 65 डिग्री सेल्सियस पर उबाला जाता है, जिससे परिशोधित स्पिरिट में ऊपर से जल ये निकल जाता है। इसके बाद अब बेंजीन और एथेनॉल का द्विअंगी मिश्रण बच जाता है। अब बेंजीन और एथेनॉल के द्विअंगी मिश्रण को 68 डिग्री सेल्सियस पर उबाला जाता है, इससे बेंजीन दूर हो जाती है और अंत में अल्कोहल को 78.5 डिग्री सेल्सियस पर आश्वित कर लिया जाता है। परिशोधित स्पिरिट को शुष्क चूना यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड द्वारा भी निर्जलीकृत किया जा सकता है। इस तरह से परिशोधित स्पिरिट से 100% एथेनॉल यानी कि परिशुद्ध अल्कोहल या परम अल्कोहल को प्राप्त किया जाता है। फिफ्थ, पावर अल्कोहल। बेंजीन, पेट्रोल और परिशुद्ध अल्कोहल, इन तीनों के मिश्रण का उपयोग जब मोटर गाड़ियों में ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है तब इसे शक्ति अल्कोहल कहा जाता है या पावर अल्कोहल कहा जाता है। सिक्स, मेथिलेट स्प्रिट या विकृतिकृत अल्कोहल, तो विकृतिकृत अल्कोहल का उपयोग उद्योगों में किया जाता है। उद्योगों में उपयोग किया जाने वाला अल्कोहल इसका शराब के रूप में उपयोग करते हैं, तो शराब के रूप में दुरुपयोग को रोकने के लिए 10-15% मेथेनॉल और पिरिडिन की थोड़ी सी मात्रा डाल करके और कुछ रंगीन द्रव्य मिला करके उसको पीने के अयोग्य बनाया जाता है, तो ये मतलब ये पीने लायक नहीं रहता है, तब इस प्रकार के अल्कोहल को मेथिलीकृत स्प्रिट या विकृतिकृत अल्कोहल
कहा जाता है। 7 अल्कोहली पेय, जिसे हम शराब के नाम से जानते हैं, तो अल्कोहल युक्त पीने में प्रयोग किए जाने वाले तरल अल्कोहली पेय या शराब कहलाते हैं। आश्रित पेय होते हैं, यानी जैसे जौ से विस्की, सेब से ब्रांडी, इसमें 40-50% एथेनॉल होता है। शीरा से रम तैयार किया जाता है, जिसमें 55% एथेनॉल होता है। अंगूर के रस से पोर्ट और शेरी तैयार किया जाता है, जिसमें 24% एथेनॉल होता है। और जौ से बियर भी तैयार किया जाता है, जिसमें 5% एथेनॉल होता है। इस प्रकार आज की वीडियो में हमने औद्योगिक महत्व के कुछ अल्कोहल, जिसमें मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, परिशोधित स्पिरिट, परम या परिशुद्ध अल्कोहल, पावर अल्कोहल, मेथिलेट स्पिरिट या विकृतिकृत अल्कोहल और अल्कोहली पेय, इन 7 अल्कोहल के अलग अलग प्रकारों को विस्तार से समझे। अगली वीडियो में हम फिनॉल की सामान्य जानकारी, उसका वर्गीकरण, नामकरण आदि को विस्तार से समझेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।